जस्कम चेयरमैन बशीर खान कुरैशी खमिस वे ढी बोध मुतासर की वाहुर लाए गुलशन हदीद का ठटे तरफ वही रो हो तो रेंजर्स के अहलकार बिन साथियों शिराज सुभानी खुआारो बदर खुआारो समेत गिरफ्तार कर वरत। रेंजर्स अहलकार जस्कम चेयरमैन के गार्ड्स वट मौजूद लाइसेंस वारा हथियार खसे पंजे कब्जे में वी छा दावा कई तो बशीर कुरैशी के कब्जे में गैरकानूनी हथियार हथ किया गया। बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी की खबर समूरे सिंध में झंगे की बाह जहाँ पकड़ी वही जस्कम तो जस्कम चेयरमैन तरफा हथियार जहाँ लाइसेंस दिखाने बावजूद खेस बिना जवाब गिरफ्तार कर रियासती दहशतगर्दी को मुजाहरों कर जैसे खिलाफ टन ढीन ती हड़ताल कई। वो हमारे ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि बशीर खान कुरैशी के पास वेपन थे। हम ये दावा से कहते हैं कि बशीर खान के पास जो भी वेपन है क्लेशन से लेकर पिस्तौल तक उसके मुकम्मल तौर पर हुकूमत से तस्दीकशुदा लेसन है। आप ये जानते हैं कि पाकिस्तान के अदारे इस सिलसिले में माहिर हैं। जिसको पकड़े हाथी को जो है वो हरण पेश करने में वो माहिर हैं। इस सिलसिले में हम ये वसुख से कहते हैं कि बशीर खान कुरैशी को जानबूझकर गिरफ्तार किया गया है कि जैसे कराची में अमन बहाल न हो सके। बशीर खान कुरैशी की कानून लागू कदड़ इदारन हथा गिरफ्तारी खिलाफ समूरी सिंध में फौरी तौर से शटरबंद हड़ताल कई वही और जस्कम समेत मुख्तलिफ़ तंजीमों का कारकुन रस्तन से निकरी आया जिन कराची हैदराबाद समेत सिंध के केतन ही शहर में एहतजाजी मुजाहरा कर धरना। एस टी पी जस्कम आरिसर ग्रुप अवामी तहरीक सिंध बचाओ कमेटी समेत सिंध के मुख्तलिफ कौमपरस तंजीमों बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी की मजम्मत कई। सूबाई घर वजीर मंजूर वसाण जस्कम चेयरमैन की गिरफ्तारी से अफसोस जाहिर कदे तो बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी बाबत हू रेंजर्स का मालूमत बाद ही मीडिया के ब्रीफिंग दी। कहा मुझे बताया गया कि बशीर खान को अरेस्ट किया गया है। यकीनन जब मैं पुलिस और रेंजर्स से मालूमत लूंगा उसके बाद ही डिटेल मैं आपको बता सकूंगा। ऐसो मैं बार बार तो चाहे बशीर खान ला के इज्जत था। बशीर खान अज का वी अज का मुख्य नसो जाने और 88 में जब मैं 88 में भी मिनिस्टर था जेलों का तो मैं जानता हूँ। हमें खुद अफसोस है लेखे के हकीकत क्या है वजह क्या है वो उसके लिए हमें टाइम दीजिए ताकि हम मालूम करें रेंजर से कि वजह क्या है। सिंध में शदीद अवामी रदेमल बाद रेंजर्स जस्कम चेयरमैन के गिरफ्तार करने बाद मलीर पुलिस हवाले कर छो रात जो देर से बशीर खान मथा 13D जो केस दाखिल कर जस्कम के सद से जुमे का समूरी सिंध में टन ढीन ला शटरबंद हड़ताल शुरू कई हुई। जुमे से सुबह जो कराची के स्टील टाउन थाने से जस्कम चेयरमैन खिलाफ चौथों केस 13E तहत दाखिल किया हुआ। मलीर पुलिस बशीर कुरैशी और संद साथियों के स्टील टाउन पुलिस हवाले किया जिते संदन खिलाफ गैरकानूनी हथियार रखने का 3 धार केस दाखिल किया गया। जस्कम अगुवाणन बशीर कुरैशी के हथियार जहाँ लाइसेंस मीडिया आदू जाहिर कर पुलिस और रेंजर्स के दावाओं की पतरी वाउकी कर कराची जे इंटरनेशनल सिटी में आम जो मू घुमे तो पो वो भला बिना लाइसेंस सो भी लीडर बिना लाइसेंस को हथियार या क्लाशन खड़ी हो ये सजे शहर में घुम रो ये जानी वाणी हथ से तो वे जो सेफ्टी में पाँजा जे परमिटू हैं उनवारा हथियार को घुमे तो पो तो उन पुलिस या एजेंसियो वन माना जानी वाणी हथ से ये खेल था अगर साजिश सिंधन के एकड़ो बेदखल करने जी साजिश आज का हाल थी पई। जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी के 13D समेत मुख्तलिफ केसन में रिमांड वठण लाय मलीर की अदालत में आंदो वयो तो समय कारकुनन संदस शानदार इस्तकबाल कयो ऐं मथस गुलन जी वर्खा कई। जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी अदालत के अहाते में कारकुनन के मुखातिब थे तो दहशतगर्द कातिल आजाद घुमी रहा है पर अमन पसंद मानन मथा केस दाखिल किया वन था पर उस सिंध के इश्क में फाही चढ़ने ला भी तैयार है। इनको दहशतगर्दों को शेल्टर देना है। दहशतगर्दों को नहीं है पकड़ना, मासूम लोगों को पकड़ना है। मैं जैसे घर निकला ठट्टे में जा रहा था उसके बाद मुझे जाना था जो है सो सैलाब बरसात के मुतासरीन के पास तो हमें रास्ते में इन्होंने घेर दिया जो है सो घर से निकलते ही जो है सो उधर मैं बैठा था मेरी गाड़ी में आके मेरे चारों तरफ घेर लिया और घर के बरसे हमारे भाई हैं शिराज कुंवारो उनके घर के सामने जो है सो और हमारी बेइज्जती करने लगे। इन्होंने बोला भाई ये इनका घर है क्यों कर रहे हो तो उनको भी मारा पीटा
और रूदकूप किया, तशद्दुद किया, फायरिंग की, हमें उधर जो है सो लाठियां लगाई, तशद्दुद किया। बशीर खान कुरैशी ने मौके ते केटी न्यूज़ सा गलाइंदे चयो ते वटस लाइसेंस वारा हथियार हुआ जेके उन पंज दफा वाला रख्या हुआ छकाण ते मथस बबेरा कातलाणो हमलो थी चुको है। लाइसेंस असा पेश किया सी अदालत के, इंसाफ द न कयो पर वेरिफिकेशन जे ला उन मोकलिया है। रहमान मलक कूड़ तो गलाए, वो झूठ बोल रहा है, मेरे को लाइसेंस शुदा असला है। रहमान मलक को ये पता नहीं है कि दो मरतबा मुझे यहाँ कत्ल किया गया कराची के अंदर, वो कातिल गिरफ्तार नहीं हुए। जो जो जिनको मारा जा रहा है वो ही जेल में जा रहा है। ये हमें पीपल्स पार्टी इंसाफ दे रही है, रहमान मलक जैसे लोग बिठाएंगे तो ये तो सिर्फ दहशतगर्दों को शेल्टर देंगे, दहशतगर्दों को पनाह देंगे। जो इधर खेपे लगी पड़ी हैं, मोर्चे लगे पड़े हैं, आप शेरपाऊ जाके देखें, लालू खेत में देखें, दूसरी जगह देखें, जहाँ कहाँ हजारों की तादाद में मुसलमान लड़के बैठे हैं, रेंजर्स वहाँ तो नहीं जाती है। जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी के मलीर की अदालत 14 दिन की रिमांड से जेल हवाले कर दी। बशीर कुरैशी बुधने दौरान अदालत के पंजे हथियारों का लाइसेंस दिखाया, जहाँ अदालत खेस 14 दिन की रिमांड से जेल हवाले कर हुक्म दिनों तो बशीर कुरैशी के हथियारों के लाइसेंस की तस्दीक कराई वही। रिमांड का मीडिया से गलाईंदे बशीर खान कुरैशी तो अदालत से उस इंसाफ न किया है, हथियारों का लाइसेंस अदालत में दिखाने बावजूद खेस आजाद करने बदर अदालत जेल मोकलो है। जस्कम चेयरमैन से गड गिरफ्तार थियल संद साथी शिराज सुबानी खुआरों के अदालत बरी कर छो। इन ही ढी वजी अजम यूसुफ रजा गिलानी जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी के गलती करार डींदे तो संदस दौर में को भी सियासी कैदी ना है, पर खेस खबर ना है तो जस्कम चेयरमैन बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी वाली गलती की थी है। मेरे दौर में मैं तो प्राउडली कहता हूँ कि मेरे दौर में कोई पॉलिटिकल प्रिजनर नहीं है, तो ये बशीर कुरैशी की गिरफ्तारी के हवाले से वफाकी गरुवदी रहमान मलक चयो तो बशीर कुरैशी के गैरकानूनी हथियार रखने के केस में गिरफ्तार किया गया है। कल जब रेंजर ने रेड की और पुलिस भी साथ थी तो मेरे नोटिस में चीज आई, मैंने उसको ट्रेन करवाया, मैंने कहा पहले आप ये देखें किसी पे जाती नहीं है, कहीं ये तो नहीं कि जैसे कोई क्लेम करे कि हथियार डाल दिए। तसल्ली करने के बाद जब मेरी आई जी से बात हुई, होम सेक्रेटरी से बात हुई और डी जी रेंजर से बात हुई और सी सी पी से बात हुई, जब उन्होंने सब ने ये कहा कि बिल्कुल तसल्ली है कि ये इनके पास अनऑथोराइज असला था, उसके बाद FIR दर्ज हुई है। जब FIR दर्ज होगी मैटर इज गॉट टू द कोर्ट, अगर कोई कहता है मैं इनोसेंट हूँ तो लेट द कोर्ट डिसाइड, लेकिन इस बिना पे कि एक बड़ा आदमी है या पार्टी का हेड है उसको इस बिना पे छोड़ दिया जाए कि वो जाकर हड़ताल करा देगा, वी डोंट केयर, जिसने हड़ताल करानी है कराए, वी आर कॉम्पिटेंट टू हैंडल इट। वट इज इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग द रूल ऑफ लॉ इम्पॉर्टेंट, गिव द इम्पॉर्टेंस टू रूल ऑफ लॉ। जब तक हम नहीं करेंगे उस वक्त तक हम आगे नहीं चल सकेंगे। वफा की गरुवजी रहमान मलक की दावा पंजी जाए थे, पर दहशतगर्दन और रत की रांद खेलंदड़ अनासरन खिलाफ कार्रवाई का फरार अख्तियार कंदड़ सरकार के यो जवाब देनो पवो तो कराची में हल ताई दहशतगर्दन खिलाफ कड़ी कार्रवाई कई वही है। सरेआम घिटन रस्तन चौकन से हथियार खड़ी अची आम मानू जो कतलाम कंदड़ अनासर खिलाफ या उन्हें सरपरस्ती कंदड़ तंजीमुन के अगवाणन खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, जिन खिलाफ खुद एजेंसियों जो रिपोर्टों भी मौजूद हैं। किथे ये तो ना है तो सरकार संगत के खुश करने लाए सिंध के कौमपरस्तन खिलाफ बिलाज आवाज अड़ी कार्रवाई कर रही है, जैसी जस्टिफिकेशन खुद वजीर अजम ए सिंध के घरू वजीर वट भी ना है। जस्कम चेयरमैन बशीर खान कुरैशी की गिरफ्तारी खिलाफ बे दिन भी यानी छंछर के दिन जस्कम के सदे सिंध के मुख्तलिफ शहर में हड़ताल कर एहतजाजी मुजाहरा किया गया। हैदराबाद में मुजाहरे दौरान रेंजर्स कौमी कारकुनन मथा तशद्दुद कयो, जै दौरान रेंजर्स ए कारकुनन विच में चकरियों भी थी। बशीर खान कुरैशी के छंछर ढी केसन में जमानत मंजूर थे बाद लांडी जेल में आजाद किया, जैखा मीडिया से गलाईंदे बशीर खान कुरैशी तो दहशतगर्दी सिंधी मानून की खमीर ए रत में ही शामिल ना है, पर सिंधी मानून के कराची में दहशतगर्दी जो निशानो बनाया पे वे। बशीर कुरैशी तो दहशतगर्द न पर अमन पसंद मानू है, जैसे खेस कुछ भी थो तो जिम्मेवार रहमान मलक पीपी की सरकार होंगी। आजादी की का खुशी को छो तो मुखे बेगुनाह गिरफ्तार कयो वियो, मुखे
लाइसेंस जा हथियार हुआ जैजू मां सालानो फी भरीदड़ आया उ सब सरकार वटन मुख्य बेहथियार किया को दहशतगर्द को हुस सिंध अमन की मोहब्बत की प्यार की धरती है सिंध के मानन के खमीर रत में ही तशद्दुद शामिल को दहशतगर्दन के खुली छूट दई छे दिनो है दहशतगर्दन के खुश करण के लिए मुझे मथों अटैक किया असं चौंता त ही असा के बेहथियार करे असा के मारण घुरन ता बशीर कुरैशी चयो त रेंजर दहशतगर्दन ऐं विगुड़न बदरा सिंधी माण्हुन खे बेगुनाह गिरफ्तार करे रही आहे जेकर मथस दाखिल कयल केस वापस न वरता विया त हू भुख हड़ताल शुरू कंदा मैं डिमांड करता हूं मेरे हथियार जो है मेरे लाइसेंस भरता हूं मैं पैसों से खरीदे हैं मैं साल या सरकार की मैं फीस भरता हूं वो मुझे वापस किए जाए नहीं तो मैं भूख हड़ताल करके बैठ जाऊंगा और अगर मुझे कुछ भी हुआ इसी दौरान उसकी जिम्मेवार पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट होगी बशीर कुरैशी की जमानत आजादी बाद जसकम सिंध अंदर डिनल हड़ताल जो सद वापस वापस छोड़ा